Hey loves, my name is Mayuri Pandey और आज का वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो का सेकंड पार्ट है. इसका फर्स्ट पार्ट ब्लॉसम के चैनल पे पब्लिश हुआ है, हाउ टू इम्प्रेस हर. और कोई भी गर्ल आपकी गर्लफ्रेंड तभी बनेगी जब वो आपसे इम्प्रेस्ड होगी या आप में इंटरेस्टेड होगी. वरना अगर अपनी अनअप्रोचेबल क्रश पे मेरे बताए टिप्स आजमाओगे तो जैसे गलत दवाई रिएक्शन कर देती है वैसी बंदी इरिटेट हो जाएगी. सो इम्प्रेस हर फर्स्ट एंड देन मेक हर योर गर्लफ्रेंड. एंड वैसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए खुद का भी बॉयफ्रेंड मटेरियल होना ज़रूरी होता है और वो कैसे होते हैं विल सी. बट उसके पहले इफ़ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ माई वाई टी फैम यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स. क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन देन यू विल नेवर मिस माई न्यू अपडेट. नंबर वन, योर बिहेवियर टूवर्ड्स हर. लड़कियों को ना बॉयज़ के बर्ताव में ये चाहिए होता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसका पेरेंट ना बने, उस पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, उसके बड़े भाई के जैसे आँखें ना दिखाए. तो वो आप में अपना बॉयफ्रेंड तभी देखेगी जब वो आप में एक ऐसे पर्सन को देख पाएगी जो उसे समझता है, उसको या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जज नहीं करता है. अच्छा, और कुछ बॉयज़ ना ज़बरदस्ती बॉडीगार्ड वाली फीलिंग लेते हैं कि आई कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनीथिंग. यस, वी लाइक टू स्टे प्रोटेक्टेड. अच्छा लगता है जब हम आपके साथ सेफ फील करते हैं या आप जब आसपास होते हो तब हम सेफ फील करते हैं, बट दैट्स डिफरेंट थिंग. बट आई एम टॉकिंग अबाउट इज प्रोटेक्टिव बिहेवियर का अति होना, इतना कि मुझे कैद जैसा फील होने लगे. मतलब पिंजरे में कैद चिड़िया को भी उड़ने का मन करता है, तो हम तो फिर भी आज़ाद इंसान हैं. तो हमें अगर इमोशनली बांधना चाहेगा कोई हमारी ही सेफ्टी के नाम पे तो कैसे चलेगा. नंबर टू, शो हर योर एबिलिटीज़ बट डोंट टेल हर कि आपको क्या क्या आता है या आप किन चीज़ों में ब्रिलियंट हो. अच्छा साउंड नहीं करता है ना कोई खुद ही ऐसे खुद की तारीफ करे. तो मौके तलाशिए अपनी काबिलियत दिखाने के. जिन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो वो चीज़ें कर पाओ, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कीजिए. जैसे अगर आपको स्केचिंग आती है तो उसका कोई स्केच बना के उसे गिफ्ट कीजिए. आप गाते अच्छा हो तो अपनी वॉइस में कुछ रिकॉर्ड करके सेंड कीजिए. सॉन्ग भी डेडिकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर किसी चीज़ में अच्छी नॉलेज है आपको तो उस टॉपिक को उसके साथ डिस्कस कीजिए, फिर उसे अपने आप पता चलेगा कि ये इंसान कितना काबिल है. नंबर थ्री, मेक हर रियलाइज़. जब आप अपनी एबिलिटीज शो कर रहे होंगे ना तब आप उनसे उनके बारे में भी पूछिएगा. लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसा ना लगे कि आप उन्हें नीचा दिखाना चाह रहे हो या उसको खुद से कमतर समझते हो इसलिए पूछ रहे हो. आस्क लाइक कि हाँ तुम्हें भी ये पसंद है या तुम भी ये करती हो. और यार आई वॉज थिंकिंग कि तुम तो एक्सपर्ट होगी इसमें. इससे ना दो तरह के इफ़ेक्ट होंगे. अगर वो आपसे रिलेट कर पाएगी तो इट्स अ प्लस पॉइंट कि आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं. लेकिन अगर वो आपसे रिलेट नहीं कर पाएगी तो ये होगा कि उसे रियलाइज़ होगा कि ये इंसान मुझसे बेहतर है कुछ चीज़ों में. एंड साइंटिफिकली हमें अपने से बेहतर पार्टनर चाहिए होता है. मतलब हम चाहे कितने भी अच्छे हो लेकिन हमें चाहिए होता है कि मेरा पार्टनर सबसे अच्छा हो, जिसको हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर में ये चाहिए ये चाहिए. स्पेशली गर्ल्स ऐसा करती हैं, नहीं बॉयज़ भी करते हैं. नंबर फोर, अप्रिशिएट हर एफर्ट्स. जो बहुत कम लोग करते हैं कि हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स को नोटिस करना और फिर उसको अप्रिशिएट करना, फिर चाहे वो उसकी स्टोरी या स्टेटस में जो एक पैराग्राफ उसने लिखा है उसका रिप्लाई करना, उसके ओपिनियन को और थॉट्स को अप्रिशिएट करना, या उसने जो अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में मेहनत करी है उसके उस मेहनत की तारीफ करना. नंबर फाइव, जब कोई इंसान आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है तब आपको लगता है कि कहीं मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे दूँ इसे, कहीं इसके भाव ना चढ़ जाएँ, या मुझे ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है. फिर सोचते हो कि कहीं इसको ऐसा ना लगे कि मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ. मेरी मानो ये माइंड गेम के पचड़े में पड़ो ही मत. तुम जब बातें हो करने के लिए तब करो. और कई बार ऐसा होता है कि मन में ना कुछ बात आती है या ऐसे कुछ ख्याल आता है और मन करता है कि किसी से शेयर करें, और वो किसी मोस्टली हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है. तो जब आप अपने मन में ऐसे रैंडम जो चीज़ें हैं या रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं आपकी लाइफ के वो उससे जाकर शेयर करोगे, उससे कहोगे और ये कहोगे कि पता है मैंने अभी तक ना ये बात अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई है, मैंने सबसे पहले तुम्हें आकर बताया. ट्रस्ट मी, शी विल फील स्पेशल. नंबर सिक्स, अपनापन. यानी उसके अपनों में शामिल होना और उसके अपनों को अपनाना. गर्ल्स को अगर सबसे ज़्यादा कुछ चाहिए होता है अपने पार्टनर में तो वो ये कि मेरा पार्टनर मेरे मम्मी पापा को भी वैसे ही ट्रीट करे जैसे वो अपने मम्मी पापा को ट्रीट करता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सीधा बोल दो कि अरे तुम्हारी मम्मी तो मेरी मम्मी जैसी है, योर मम माई मम एक बात.
डोंट से लाइक दिस, बॉयफ्रेंड बनने नहीं हो, अभी बनने की कगार पे हो। कभी पूछ लो कि माँ कैसी है, या कभी मजाक में सासू माँ बोल दो, और अगर वो पूछे कि ऐसे क्यों करते हो तो कह दो कि मम्मी तो, चाहे किसी की भी मम्मी हो, मम्मी तो मम्मी होती है एंड मॉम्स आर लव। नंबर 7, स्पेंड अलोन टाइम विथ हर। मोस्टली आप लोगों से घिरे रहते हो और कहीं तो 2-3 दोस्त तो साथ में रहते ही हैं, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे पल आते हैं जब आप सच में अकेले होते हो, लेकिन वो भी ऑकवर्डनेस में बीत जाते हैं। तो उन्हीं ऑकवर्ड 3-4 मिनट को या 10 मिनट को हमें हसीन बनाना है। जैसे अगर आप किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हो कहीं पर खड़े हो, तो उनसे कहो कि यार खड़े खड़े बोर लग रहा है, चलो ना थोड़ा सा वॉक करते हैं। और वॉक करते करते आप उनसे बातें भी कर सकते हो, और अगर बातें नहीं भी करोगे तो भी वॉक्स आर रोमांटिक एनीवे। तभी तो उसको पता चलेगा ना कि अलग से भी आपकी कंपनी में वो बोर नहीं होती है और ऑकवर्ड साइलेंस नहीं होता है। हाँ, रोमांटिक साइलेंस हो सकता है, बट रोमांटिक साइलेंस इज रोमांटिक। नंबर 8, फ्लर्ट टू शो दैट यू आर रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन हर। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फ्लर्ट, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड किया है, और उस प्लेलिस्ट में डेटिंग, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, जैसे हाउ टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विथ योर क्रश। तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नंबर 9, मेक इट क्लियर इन योर माइंड। दिस इज राउंड राइम किया ना थोड़ा, नंबर 9, मेक इट क्लियर इन योर माइंड। एनीवे, हाँ, तो कभी तो आप उनको उसके बेस्ट फ्रेंड की तरह चढ़ाते हो और फिर कहते हो कि वो आप में अपना बॉयफ्रेंड देखे। ऐसे थोड़ी होता है, पहले खुद डिसाइड कर लो कि बेस्ट फ्रेंड बनना है या बॉयफ्रेंड बनना है। और ऐसा नहीं है कि हम बेस्ट फ्रेंड हमारे बीएफ नहीं बन सकते। आई मीन, इनफैक्ट आई बिलीव कि पीपल हु मैरिड देयर बेस्ट फ्रेंड आर लकीएस्ट। लेकिन फिर वही है ना, लंबा प्रोसेस हो जाता है, पहले बीएफएफ बनो, फिर बीएफ बनो, फिर एच बनो, मतलब हबी। तो उससे अच्छा पहले ही बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करो, जब मंजिल ही वही है। तो कभी कभी कोई इंसान हमें बहुत पसंद होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ रीज़न से या अपने ही माइंड के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं या उसकी जीएफ नहीं बनना चाहते हैं, और ये चीज़ हम उससे डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तो यू हैव टू ऑब्जॉर्व एवरीथिंग। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। हर बुधवार और शनिवार को आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। Love you all.